minus stress. Hello, I hope you are fine and okay. Welcome back to online classes. And today we are going to learn unit number 4 of standard 3 of subject English. So I will look script class one. बहुत ही बढ़िया स्टोरी कह सकते हो या फिर नाटक कह सकते हैं. वो आज देखने वाले माय एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई. बेसिकली यह एक हिंदी साहित्य की जो बड़े भाई साहब की स्टोरी है, वहां से जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, वहां से यह स्टोरी या फिर नाटक लिया गया. मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत फेमस साहित्यिक हैं, जिन्होंने यह नाटक या फिर स्टोरी नरेट की है. स्टूडेंट्स, बेसिकली यह स्टोरी में एक बड़े भाई और उसका छोटा भाई, इनका कन्वर्सेशन यहाँ पे बताया गया है. दिस बड़े भाई की छोटे भाई के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो यहाँ पे बताया गया है. एंड देन जो एक्सपीरियंस है वह हार्ड वर्क से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. स्टोरी सेज दैट एक्सपीरियंस इज एन इंपॉर्टेंट एज हार्ड वर्क. जो अनुभव है वह कड़ी मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हमेशा हमें हमारा अनुभव ही हमेशा हमारे काम आता है. तो ऐसे एक बड़े भाई और छोटे भाई की यह स्टोरी है, जो कि हॉस्टल में रहते हैं. अब बड़ा भाई हॉस्टल में रहते हैं, सो उसके साथ साथ उसके जो फादर है वो छोटे भाई को भी उस बड़े भाई के साथ में हॉस्टल में मिलते हैं. बट होता ही होना है कि जो छोटा भाई है बहुत ही नटखट रहता है, बहुत ही शरारती रहता है, बहुत बदमाश पसंद करता है, उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और बहुत ज्यादा खेलने में अपने टाइम वेस्ट करता है. सो यही सारी जो बातें हैं जो बड़ा भाई अपने भाई को समझाता है, यही स्टोरी में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी. अब यहाँ पे सीन फर्स्ट, ये स्टोरी तीन सीन में डिवाइड होती है. तो फर्स्ट सीन में एक हॉस्टल रूम दिखाई दिया, जैसे कि आपके बुक के पेज पर दिखाया गया है. एक हॉस्टल रूम पर्दा जैसे खुलता है वैसा फर्स्ट सीन में दिखाई देता है कि हॉस्टल का रूम. टू ब्रदर्स, दो भाई, एज 9 एंड 14 इयर्स, सिटिंग एट द स्टडी टेबल. क्या होता है फर्स्ट सीन में सिचुएशन बताई गई है. कौन सी सिचुएशन है? एक हॉस्टल का रूम है और दो भाई जो कि 9 साल का और दूसरा 14 साल का एक स्टडी टेबल पर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं. तो एल्डर ब्रदर जिसे यहाँ दिया कहा गया है, यह स्टोरी में क्या कह रहा है उसे दिया. आप भी अपने बड़े भाई को भैया ही कहते हैं. सो बड़ा भाई इज रीडिंग बुक एंड यंगर ब्रदर वाज मुन्ना, जो उसका छोटा भाई है उसका नाम रहता है मुन्ना. इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. दूसरा भाई जो रहता है जो छोटा रहता है 9 साल का, जिससे 5 साल बड़ा बड़ा भाई रहता है जो कि 14 साल का. सो बड़ा भाई बुक्स पढ़ते रहता है और एक छोटा भाई अपना ड्राइंग डेकोरेट करता रहता है, ड्राइंग बनाते रहता है, पिक्चर्स बनाते रहता है बर्ड्स की और एनिमल्स की. सो उनका कन्वर्सेशन कैसे रहता है? भैया एंड मुन्ना, भैया ये बड़ा होता देन मुन्ना. भैया से व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना सेज आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूं. भैया क्या कहते हैं? व्हेन डू यू स्टडी, तुम स्टडी कब करोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह में मॉर्निंग कहां थे? सुबह तुम मॉर्निंग में कहा थे? सो
मुन्ना टर्निंग पैर है। अब थोड़ा सा घबराए हुए हैं, अब बड़े भाई ने पूछ लिया कि सुबह में कहा थे और मुन्ना को सुबह में था ये कहा गया था। अब देखते टर्निंग पैर थोड़ा सा घबरा हुए, आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, आप कैसे मैं खेल रहा था और आप कैसे अपने बुक के साथ में घंटों तक यहां बैठे रहे हो। अब ये क्या कहता है, दैट्स बिकॉज़ आई वांट फाउंडेशन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। क्या कहता है, ऐसा क्यों करता हूं मैं, क्योंकि आई वांट माय फाउंडेशन एजुकेशन, आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। मैं अपने फाउंडेशन को जो एजुकेशन एजुकेशन में फाउंडेशन को जो अपने जिसे क्या कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, जो नींव को जो मेरी नींव है वह शिक्षा में मजबूत करने की कोशिश, मुझे अपनी शिक्षा के प्रति नींव फाउंडेशन मजबूत करना। दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग विद माय बुक आवर टुगेदर फॉर आवर्स टुगेदर। इसलिए मैं हमेशा पढ़ाई करता हूं कि मुझे अपना जो प्लेसमेंट है वह मजबूत करना है, यहां फाउंडेशन का है सॉलिड बेस, इसमें यार जो बेस है मुझे मजबूत करना है। देन द बिल्डिंग विल स्टैंड वेल हायर हायर। क्या कहता है, तभी तो एजुकेशन की बिल्डिंग मजबूत होगी। फर्मली का मतलब होता है मजबूत, जब मैं फायर होगा तभी मेरी जो एजुकेशन की बिल्डिंग है वह मजबूत होगी। Sometimes it takes me 2 years to do work, less work. और क्या कहता है आगे, Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. मुझे 2 साल का जो काम है वो 1 साल में पूरा करना पड़ता है। इस वजह से मुन्ना मुन्ना क्या कहते हैं, यार यू आर 5 years older than I am. आप उससे कितने साल बड़े हो, 5 साल बड़े हो, and 3 classes ahead of me. और मेरे से 3 क्लास आगे हो, मेरे से आप 3 क्लास आगे हो। I wonder why you keep writing same word 20 times. मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है, मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप एक ही वर्ड को 20-20 बार लिखते हो। आप एक ही वर्ड को कितने बार लिखते हो, 20-20 बार लिखते हो। One sentence more than 8 times and one sentence more than 20 times. और एक line को, एक sentence को आप 20 बार लिखते हो, then आप जो आपका एक word को 20 बार learn करते हो, एक sentence को आप 20 बार लिखते हो, copy poems several times in beautiful letters. और जो poem की copy है, poem जो आप learn करते हो उसे आप लोग 20-20 time घंटा मारते हो, ऐसा क्यों? भैया कहते हैं, you know, आपको पता है ना, study English is no child's play. English पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़ा भाई क्या कह रहा है, study English is no child's play. English पढ़ना या बच्चों का खेल नहीं है। बड़ा भाई मुन्ना से कह रहा है, one has to work very hard in order to learn the subject. ये बहुत कठिन है, English पढ़ना बहुत कठिन है। To speak right English properly, आपको English properly बोलते आना चाहिए, आपको लिखते आना चाहिए। To speak or write English properly, आपको English लिखते आना चाहिए, English properly पढ़ते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए। Tremendous effort in is required, और इसके लिए tremendous बहुत ही effort की जरूरत होती है, कुशलता की यहाँ पे जरूरत होती है। But the moment you get a chance, you run the field, play marbles and flat paper like dice, or sit eating away with friends for
अध्ययन करने के बजाय आप क्या करते हो, द मोमेंट यू गेट अ चांस, जो आपको खाली समय मिलता है उस टाइम तुम क्या करते हो, यू रन टू द फील्ड, तुम जाते हो खेलने के लिए, प्ले मार्बल्स तंचे खेलते हो, एंड फ्लाई काइट्स पतंग उड़ाते हो, और सिक इटिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और खाली के लिए अपने दोस्तों के साथ में तुम गप्पे लगाते रहते हो। इस तरह से तुम अपना पूरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। इडिंग का यहां में मीनिंग क्या हुआ है, इडलिंग में सुना है, विदाउट एनी पर्पस, लेजी, कोई भी कारण ना होते तो इडलिंग का यहां पे क्या मीनिंग होता है, इडलिंगनेस, बिल्कुल खाली के लिए तरह से गप्पे लड़ाना, लेकिन विदाउट एनी पर्पस, किसी भी उद्देश्य के बिना अपना टाइम वेस्ट करना। Can't you sit down and study? क्या तुम एक तरह बैठ नहीं सकते और अपनी स्टडी पूरी नहीं कर सकते? दिन भर आप एक तो कंचे चलोगे, एक तो अपने बदमाश दोस्तों के साथ में खेलते रहोगे, या फिर अपना पूरा टाइम कंचे खेलने में व्यतीत करोगे, आप शांति से पढ़ाई नहीं कर सकते। इस तरह से जो छोटा भाई है उसे उसका बड़ा भाई समझाते हुए रहता है। मुन्ना क्या कहता है, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज, अरे भैया वहां पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, शुड वी गो, क्या हम लोगों को वहां जाना चाहिए? मुन्ना क्या कहता है, बहुत बड़ा मेला गांव में लगा हुआ है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? भैया कहते हैं, Have you ever seen? क्या कहते हैं भैया? Have you ever seen me going to a fair or going to watch cricket or hockey? भैया कहते हैं, क्या तुमने मुझे कभी देखा है मेले में जाते हुए, या फिर कभी क्रिकेट मैच खेलते हुए, या फिर हॉकी मैच खेलते हुए, कभी आपने मुझे देखा है? I don't go near them. मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाता। I prefer to study. और मैं हमेशा मेरी स्टडी को फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, हमेशा मैं अपने वो खाली टाइम में मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ मैं पढ़ते रहता हूँ, कुछ ना कुछ किताबें मैं पढ़ते रहता हूँ, मुझे ना कि मेले में जाने का शौक है, ना क्रिकेट मैच देखने का शौक है, ना हॉकी मैच खेलने का शौक है, मैं यह टाइम पढ़ाई में व्यतीत करता हूँ। आई डोंट माइंड repeating a class for more than 2 years. मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं एक ही क्लास में दो बार पढ़ूं. But you might stay in the same class in your life. अगर तुम ऐसे करोगे ना, तो पूरी क्लास में, पूरे साल में तुम एक ही क्लास में पढ़ोगे. क्या कहता है बड़ा भाई उसका? बड़ा भाई कहता है, I don't mind repeating a class for more than 2 years, मेरे को 2 साल से ज्यादा एक ही साल एक ही कक्षा में रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, बट अगर तुम अगर ऐसे करोगे, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम एक ही क्लास में रहोगे ऑल योर लाइफ, पूरी लाइफ भर तुम एक ही क्लास में रहोगे अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ वेस्ट योर टाइम प्लेइंग इन ऑल टाइम? You are simply wasting father's hard money. क्या कहता है बड़ा भाई? अब थोड़ा इमोशनल अत्याचार करता है. कहता है कि तुम अपना टाइम पूरा खेल में व्यतीत कर रहे हो, और इसका नतीजा यह है कि कुछ सिंपल तरीके से you are wasting father's hard earned money. अपने पिताजी की जो मेहनत की कमाई है, खुद बसने की कमाई है, तू व्यस्त कर रहे हो सिर्फ खेलने में और फालतू की चीजें करने में. पिताजी ने यहाँ पे आप हम लोगों को क्यों रखा है? हम लोगों को पढ़ने के लिए रखा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना पूरा वक्त, पूरी अपनी
खेलने में, घूमने में, फिरने में ये सारा वक्त हम यहाँ पे बिता रहे हैं। अब यह सारी चीज होती है, थोड़ा सा जो उसका भय डाक्टर सो पुनः स्टार्ट कराए एंड मींस ऑन दी स्कॉलेज मींस थोड़ा सा चिल्लाता है उसका भाई और थोड़ा सा उसको डांटता है, इस वजह से मुन्ना होने लगता है एंड सो विल साउंड स्टाइल्स और जो सिसकना जैसे हम लोग कहते हैं ना जोर जोर से रोने लगता है मुन्ना। देन भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गो बैक होम। भैया क्या कहते हैं मुन्ना को भाई वो डांटते हैं सो मुन्ना रोने लगता है और कहता है भैया आज तो लाइट लगने लगी मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ गोइंग बैक हो हाँ अपने घर में यहाँ से भाग जाऊँ इतना मुझे बेकार लग रहा है। तो भैया भैया से माँ बोला ठीक है अभी अभी स्टॉप करें रोना नहीं बिल्कुल नहीं होना पुट अ नाइस स्माइल बड़ी अच्छी स्माइल दो लुक I will make a tie for you to follow. Get up at dawn. मैं आपके लिए एक टाइम टेबल बता दे रहा हूँ और उसे आपको फॉलो करना है। Get up at dawn. सुबह में उठ जाए ये टाइम टेबल फॉलो करने के लिए। अब यहाँ पे जो किया है बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बना के देते हैं। टाइम टेबल में यहाँ टाइम दिया रहता है शेड्यूल दिया गया है। शेड्यूल मींस यहाँ पे टाइम टेबल होगा क्लियर यहाँ पे शेड्यूल का मतलब क्या होगा टाइम टेबल। अब मुन्ना को कितने बजे उठना है अर्ली मॉर्निंग एट 6 AM देन 6 AM से उसका रूटीन शुरू होगा और सबसे पहले मुन्ना क्या करेगा 6 AM को वॉश योर हैंड्स उनको हैंड धोना है हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी और आपको ब्रश करना है फिर डेली रूटीन है वो करके आपको थोड़ा ब्रेकफास्ट करके उनको यहाँ पे स्टडी के लिए बैठना है 6 to 8 AM 6 से 8 में आपको किस सब्जेक्ट की स्टडी करना है इंग्लिश की 8 to 9 मैथमेटिक्स 9 to 9:30 history then 3:30 PM को then off to school school से आने के बाद 5 to 6 PM grammar and half an hour for story then और आधा घंटे से इधर उधर घूमने में दिया है भैया ने देन 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन देन डिनर आपको खाना खाना है देन ट्रांसलेशन देन 8 से 9 PM उसमें क्या करना है उसको ट्रांसलेशन करना है देन 9 से 10 हिंदी का पढ़ना है देन लास्ट लास्ट क्या होता है 10 से 11 के बीच में 10:08 PM to 11 PM उसमें क्या करना था अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड दूसरे सब्जेक्ट का फॉलो और फिर आप लोग सोने के लिए चले जाओ। इस तरह से पूरा शेड्यूल बड़ा भाई मुन्ना को बना के देता है। इस तरह से शेड्यूल देखने के बाद मुन्ना बट वेट इज द टाइम टू प्ले यहाँ पे खेलने के समय कौन सा है भैया प्ले व्हाट इज द नीड उसकी क्या जरूरत है मुन्ना व्हाट इज द नीड उसकी क्या जरूरत है मुन्ना ओ आई लव ग्रीन फील्ड्स मुझे हरे भरे खेत बहुत पसंद है द जेंटल ब्रीज आई वॉन्ट to jump up like football मैं फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। I like to touch and go and hutu hutu मुझे कबड्डी खेलना पसंद है।
उसका जो साउंड है कबड्डी 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 जिसे हम कहते हैं वह मुझे बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक मैनिक। और जो मुझे वॉलीबॉल वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। As soon as I am on the field, I forget everything. जब मैं खेतों में रहता हूँ, मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ। ये सारी बातें मुन्ना किसे कह रहा है? अपने भाई से कह रहा है। यहाँ पे first scene A होता है। Then second scene में क्या होता है? The final exams over and the result will out. अभी फाइनल सीन टू चालू होता है। यहाँ पे सीन टू में फाइनल एग्जाम होते वो खत्म हो जाते हैं और रिजल्ट आया हमारे पास। अब क्या भैया भैया है जो उसका बड़ा भाई अलास अरे बॉय आई हैव फेल वंस मैं और एक बार फेल हो गया। इतना पढ़ाई करने के बाद में मैं फेल हो गया। मुन्ना क्या कहता है? ओह बट भैया आई हैव पास एंड टॉप माय क्लास। मुन्ना क्या कहता है? अरे भैया परंतु मैं पास हो गया और पास नहीं हुआ आई हैव पास एंड टॉप माय क्लास। मैं पास नहीं हुआ तो मैंने अपनी क्लास में टॉप किया। Now there is only 2 years difference between us. और हो गया। अब अपने में सिर्फ कितने साल का difference बाकी है? सिर्फ और सिर्फ 2 साल का difference हमारे में बाकी है। ये बात है। 5 साल से मुन्ना की thinking देखिए। 5 साल से सीधा मुन्ना ने 2 साल पर अपनी age का difference ला कर रख दिया। देख भैया, अब भैया कहते हैं, but my dear brother. Don't be so proud. ठीक है, तुमने first top किया है, अच्छी बात है। But इस पर घमंड बिल्कुल ना करो। मेरे प्रिय भाई, इस पर घमंड बिल्कुल नहीं करना। You have passed only one class. तुमने अभी तो सिर्फ एक ही कक्षा पास की है। And you think that I'm stupid and you are smart. और तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं stupid हूँ। और तुम बहुत ग्रेट हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत होशियार हो। अभी तो तुम अपने जो पाप है वो जमीन से तुमने छोड़ दिए। बस अपने भाई एक गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ होल बट दैट डज नॉट मीन। क्या कहते हैं भैया? चलो ठीक है, तुमने एक बार पास कर लिया तो उसे बार बार उस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। और एक बार जब तुमने गिल्ली डंडा गेम में अपना गोल को हिट कर दिया यू हैव मास्टर इन द गेम। तो तुम सब क्या समझ रहे हो कि तुम वो गेम के मास्टर बन गए? ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसे अगर आपने एक चीज में सक्सेस हो गया तो आपको यह नहीं समझना चाहिए कि आप उस फील्ड के मास्टर बन गए। वैसे भैया उसका एग्जांपल देते हैं गिल्ली डंडे का। अगर एक बार में आपने अपना गोल सही निशाने पर लगा दिया सो यू थिंक यू हैव मास्टर इन द गेम। तुमको क्या लगता है कि तुम वह गेम के मास्टर बन गए? You have to work hard to be successful in life. आपको वह चीज हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो वही चीज रिपीट करना पड़ता है, वही चीज पढ़ना पड़ता है, उसकी हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ता है। Then you are the master in this game. अगर बहुत अच्छी एक इंग्लिश में एक थॉट है मेक प्रैक्टिस मैक परफेक्ट। क्या कहा गया है? जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप उस चीज में परफेक्ट होंगे। वेरी यू हैव टू
algebra or geometry in the high class, then you will understand the importance of hardware. भैया क्या कह रहे हैं? तुम जब बड़ी क्लास में जाओगे और अलजेब्रा ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे बड़ी क्लास में, तब तुमको समझ में आएगा कि हार्डवर्क क्या होता है, हार्डवर्क का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हार्डवर्क का महत्व क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा. इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है, इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी द आंसर मेक्स रॉन्ग. अगर आपने ज्योमेट्री में ज्योमेट्री में आपने क्या किया, ए सी बी लिखा, ए सी बी किसकी जगह पे, ए बी सी बी, ए बी सी की जगह पे, सो योर आंसर विल बी रॉन्ग. तुम्हारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. ज्योमेट्री में आपको सटीक जगह पे सटीक आंसर लिखना पड़ेगा. एग्जामिनर्स विल नॉट फेयर यू, तुमको एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं, तुमको एग्जामिनर छूट नहीं देगा. दे वांट टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. और वो क्या चाहते हैं, आप एग्जाम में बुक का, टेक्स्ट बुक का वर्ड बाय वर्ड लर्न करो और इसी तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करो. मुन्ना, ओ भाई साहब, this is scary. I don't think want to go the ninth class now. अरे ये तो बहुत बोरे में, चलो ठीक है भैया, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बड़ी क्लास में जा रहा हूँ. अभी की अभी मैं बड़ी क्लास में जा रहा हूँ. But I will still complete my day's homework. But मुझे अपने आज का homework complete करना है जो मेरी क्लास का. So then get no punishment in class. इसलिए कि मुझे punishment नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने अपना homework पूरा मैंने complete करना है. भैया, just today we were asked to write short essay on the topic of punctuality in 4 pages. क्या कहता है बड़ा भले? Just today, जैसे कि आज, we were asked to write short essay on the topic of punctuality in the 4 pages. आज punctuality पर 4 pages इसे लिखना, लिखने के लिए दिया जाए, लिखने के लिए पूछा जाए. So and imagine, can something be written on 4 pages and still in short? क्या तुम लिख पाओगे? It's all so mixed. इस तरह से भैया उसको थोड़ा सा समझा है, देन मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थोड़ा सा सोचने लगता है. थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और इल्स, द स्कॉल्डिंग वुड हैव बीन गॉन ऑन टाइम. क्या कहता है मुन्ना? चलो ये टाइम अभी स्कूल का नहीं है, बहुत रिलैक्स है, और this calling would have gone on and on. इस तरह से यहाँ पे यह second scene समाप्त होता है, complete होता है. और last scene क्या होता है अब हम आपको देखेंगे, हम आपको बताते हैं. ये सारी बातें भाई और छोटे भाई की चलती रहती है. Then तीसरा scene चालू होता है. The results were out again. The results were out once again. और रिजल्ट आने लगते हैं. अब then and so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. और इसमें Munna और पास हो जाते हैं और Bhaiya जो होते हैं वो और फेल हो. दूसरी बार Bhaiya फेल हो गए, आप क्या होगा? भैया वाज रियली अपसेट. अब भैया का थोड़ा सा मोरल डाउन, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है. उसको भी अच्छा नहीं लगता. हम एक साल के लिए हुआ, उसके बाद दूसरे साल के लिए हुआ. मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर
सो अनहैप्पी। और यह देखकर उसका भाई बहुत नाखुश है, बहुत नाराज है। यह देखकर मुन्ना भी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। भैया नाउ बिगन्स जेंटल विद मुन्ना। अब थोड़ा सा जो भैया है मुन्ना के साथ में नरमाई से पेश आते हैं। मुन्ना बिकम नॉट हियर, मुन्ना बिकम नॉट हियर बिकॉज ऑफ हिज एंड स्टरिंग इवन लेस देन। अब मुन्ना थोड़ा सा नॉट हो जाता है, थोड़ा सा शरारती हो जाता है और पहले से ज्यादा मस्तियां करने लगता है और पढ़ाई भी बहुत कम हो गई थी उसकी। अब मुन्ना क्या कहता है, टॉकिंग लाउडली, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली। मैंने बहुत आसान से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यह जो एग्जामिनेशन है वो पास कर लिया। आई नीड नो स्टडी हार्ड, क्या कहता है मुन्ना, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे एकदम हार्ड स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं थी, बहुत आसान से मैंने अपनी स्टडी कर कर एग्जामिनेशन पास कर ली। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माय फ्रेंड्स टू फ्लाई हाइट्स। चलो अब मैं बढ़िया दोस्तों के साथ में गेम्स खेल सकता हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से पता लगा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग हाइट्स। बट मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि क्यों रहना पड़ेगा कि भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, भैया ने मुझे पतंग उड़ाते हुए नहीं देखना चाहिए। इस वजह से मुझे बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। इस तरह मुन्ना अपने मन के मन में सोचने लगता है। देन क्या होता है, वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। एक दिन क्या होता है, एक पतंग धीरे धीरे नीचे आती रहती है। मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब, और मुन्ना उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है, उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। ग्रैब मींस पकड़ना, दबोचना जिसे हम लोग कहते हैं। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और सडनली क्या होता है, भैया के साथ में उसकी फेस टू फेस मुलाकात हो जाती है। अब भैया को उसे देख लेते कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, और जैसे देखते जैसे फेस टू फेस उसकी मुलाकात होती है तो भैया उसका मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं, कैचिंग होल्ड मुन्नास हैंड। मुन्ना को क्या पकड़ लेते, हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, aren't you ashamed to be playing kites all day long? तुम्हें ये दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं लगती? ashamed means शर्म करना। तुमको क्या ये दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं लगती, दिन भर तुम खेलते रहते हो पतंग उड़ाते रहते हो? Don't you realize that now you are in 8th class? तुमको क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी तुमको एहसास नहीं है कि तुम अभी आठवीं कक्षा में गए हो, तुम अभी आठवीं कक्षा में गए हो एंड आर नॉट स्टडिंग लोअर क्लास। क्या कहते भैया, एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, अब तुम क्या छोटी क्लास में रह रहे हो क्या, तुम अभी हाई क्लास में गए हो, 8th क्लास में, इस आठवीं कक्षा में अभी तुम गए हो। If you think that I am just one class ahead, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ एक कक्षा पीछे एक कक्षा आगे हूँ, and can't say to you, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, so you are wrong. अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक कक्षा से आगे हूँ और मैं अभी पूरा पास कर लिया, मैं बहुत ग्रेट हूँ, मुझे सब कुछ आता है और भैया तो मुझे सिर्फ एक क्लास बड़े हैं, सो यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, आई एम 5 years ओल्डर देन यू, समझे, मैं तुमसे कितने बड़ा, कितने साल बड़ा हूं, पूरे पूरे
अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. जो समझदारी है ना वो सिर्फ बुक किताबें पढ़ने से नहीं आती. देखो अभी थोड़ा सा स्टोरी में यहाँ पे हमको क्या मॉरल लेना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है, तो थोड़ा सा आप लोग केयरफुल सुनेंगे. भैया क्या कहते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जो समझदारी होती है वो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं आती. क्या कहते हैं भैया, जो समझदारी होती है वो किताबी ज्ञान से या फिर बुक्स पढ़ने से नहीं आती. लुक एट माँ एंड बाबा. अरे अपने मम्मी और पापा, माँ और बाबा की तरफ देखो. माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल. मम्मी हमारी माँ कभी स्कूल नहीं, कभी कक्षा में नहीं गई, कभी स्कूल में नहीं गई. एंड पापा, और पापा हैज ओनली पास फिफ्थ क्लास. और जो अपने पापा है ना वो सिर्फ पांचवी क्लास पास है. तुमको पता है ये सारी चीजें, हमारी माँ कभी स्कूल नहीं गई, हमारी माँ कभी स्कूल नहीं गई, और जो हमारे बाबा है ना वो सिर्फ और सिर्फ पांचवी कक्षा पढ़े हुए हैं. मुन्ना कहता है ये भैया इट्स अ ट्रूथ. भैया क्या ये सच है कि हमारे जो पापा है वो कभी स्कूल नहीं गए, हमारी माँ कभी स्कूल नहीं गई, और जो हमारे बाबा है वह सिर्फ और सिर्फ पांचवी कक्षा पढ़े हुए हैं. क्या ये सच है? भैया कहते हैं यस, देयर आर थाउजेंड थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी. वह हमारे से कम पढ़े हुए हैं. माँ तो स्कूल ही नहीं गई, बट पापा सिर्फ पांचवी क्लास पढ़े हुए हैं. बट देयर आर थाउजेंड थिंग्स दे नो मोर देन यू. उनको हमारे से बहुत ज्यादा नॉलेज है, हजारों बातें उन्हें पता है तुम्हारे और मेरे से ज्यादा. ताकि वो कभी स्कूल ही नहीं गए. एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड इन विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर हम पूरा पूरे दुनिया की पढ़ाई कर ले, दुनिया की पढ़ाई कर ले, सो माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस. बहुत ही अच्छी बात कही हुई है. हम लोग सारी दुनिया की पढ़ाई कर ले पर हमारे जो पापा और हमारी माँ है हमेशा सही होंगे, हमेशा बातों को एक्सप्लेन करने में सही होंगे और हमें सही दिशा देने के लिए हमेशा वही सही होगी. हम चाहे कितनी पढ़ाई कर ले बट हमारे पापा का और हमारी मम्मी का जो एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ पे काम आएगा, वही सबसे बड़ा यहाँ पे रोल निभाएगा. नाउ व्हाट यू डू इफ आई वेयर फॉर सीक टू ले. चलो ठीक है, एक मुझे बात बताओ, तो तुम क्या करोगे अगर तुम यहाँ बीमार पड़ गया आज, तुम क्या करोगे? समुन्ना, मुन्ना क्या कहता है, I don't know, मुझे नहीं पता. भैया I'll tell Baba and he would rush to the hospital. मैं पहले सबसे पहले तो पापा को बताऊंगा और वह दौड़ते दौड़ते हॉस्टल में आएंगे. भैया हाँ हाँ I had expected this answer. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे तुमसे यही आंसर की उम्मीद थी. Now Baba would not get upset. बाबा ऐसे अपसेट नहीं होंगे. He would first try to find out what was wrong. वह पहले क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत हुआ. And then he would call a doctor. और तब वो और उसके बाद में वो डॉक्टर को फोन करेंगे या फिर डॉक्टर को बुलाएंगे. सबसे पहले देखेंगे कि क्या गलत है, कि क्या कुछ गलतियां हैं कि जिसकी वजह से मेरा बेटा या फिर मेरा लड़का मेरा बच्चा बीमार हो गया. ऐसे दौड़ कर नहीं आएंगे पापा. सबसे पहले वह सोचेंगे कि क्या रीजन है, उसके बाद में डॉक्टर को फोन करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. बाबा को पता है क्या करना है. आपने तो पहले कह दिया कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट बाबा को पता है कि व्हाट टू डू.
they have more experience than us. और उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है. अब इतना सारे बातें सुनकर मुन्ना थोड़ा इमोशनल हो गए. मुन्ना की आंखें आंसुओं से भर गई. विद टियर्स इन हिज आईज ये सारी बातें मुन्ना के आंखें भर आई. ये बातें सुनकर भैया आई एम सॉरी. व्हाट से इज ट्रू व्हाट यू से इज ट्रू. मुझे पता है आई एम सॉरी मुझे ऐसी गलती हो गई. तुम जो कहते वो सही. और इस तरह से मुन्ना की आंखें भर आई. भैया हर सुनना जरूरी. भैया हर सुनना जरूरी. भैया ने बहुत प्यार से जो मुन्ना को गले लगाया एंड सेड आई आल्सो लाइक टू प्ले फ्लाइट काइट्स. मुझे भी पतंग उड़ाना खेलना अच्छा लगता है. बट इफ आई आल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच यू आई वॉच आउट फॉर यू. अच्छा मैं ऐसे खेलता रहा. ठीक है मैं ऐसे खेलता रहा. कंचे खेलता रहा. पतंग उड़ाता रहा. गेम्स खेलता रहा. सो मैं तुम पर ध्यान कैसे दे पाऊंगा. मैं तुम पर ध्यान कैसे दे पाऊंगा. यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम मेरी जिम्मेदारी हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. तुम मेरी एक जिम्मेदारी हो. बिकॉज आई एम एल्डर देन यू. और पापा ने मेरी जिम्मेदारी पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तुम्हें मेरे पास छोड़ा है. So, if I play cricket, I play football, I play volleyball, या फिर पता बुलाओ या फिर मस्तियां करो तो आप पर उससे क्या असर पड़ेगा. मैं कैसे आपका ध्यान दे पाऊंगा. यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई लव यू भैया. मुन्ना का कहता है आई लव यू भैया. इस तरह यह स्टोरी मुंशी प्रेमचंद जी की. अरे भाई साहब या फिर माई एल्डर ब्रदर इनके समाप्त होती है इनके खत्म होती है. आई होप कि आपको यह स्टोरी पसंद आए समझ में आएंगे और इससे आप कुछ मोरल लेंगे. इसलिए एक्सपीरियंस यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. हार्ड वर्क से किताब के ज्ञान से हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता. हमें एक्सपीरियंस मिलता है. हमें एक्सपीरियंस कब मिलता है जब वह चीजें से हम लोग गुजर जाए. हमारे बड़े लोगों से हमें एक्सपीरियंस मिलता है. इसलिए हमारे बड़ों की हमें हमेशा बातें सुननी चाहिए. इस तरह से स्टोरी के व्यूअर्स देख लेते हैं फाउंडेशन सॉलिड बेस जो जिसको भाई हम लोग कहते नींव पाया शेड्यूल. यहाँ पे शेड्यूल का नहीं होता है एक्टिवल ऐसे ऐसे में जिसको हम लोग निबंध रहते हैं कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट पर कंपोजिशन कर एटलिंग मींस होता है विदाउट एनी पर्पस ऑफ रिलीजिंग. मस्टर्ड मींस गेन एक्सेप्टेंस गेन एक्सपर्टेंस और स्किल जिसने किसी चीज में महारत हासिल किया. इस तरह से आज की स्टोरी की आज के लिए इतना ही.